अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरा साल टेबल वर्क पे आपको गुजारा करना पड़ा क्योंकि मेरी फैक्ट्री बंद थी। एक एक चीज़ फार्मूला, एक एक केमिकल के फंक्शन, एक एक केमिकल के एक्शन, एक्सिड के रिएक्शन, बेस के रिएक्शन, सब एक एक चीज़ पे मैंने काफ़ी रिसर्च की। तकरीबन 80 वीडियो वाशिंग पाउडर पे मैं आप दोस्तों को अपलोड करके आपको दिखा चुका हूँ। अभी ये मेरा गोल्डन ब्रांड पे काम चल रहा है। मैंने शैम्पू बेस 4 किलो किया, 100 केजी पे शिकायत आई कि भाई ये गीला है, ये स्पेशल आट रहा है रत्तों देरों से बताया जाता है। इसमें आधा किलो SLS पाउडर डाला, फिर भी थोड़ा गीला है। अब SLS पाउडर फिर मैंने 1 किलो किया है अभी लाटे के लिए, वो दिखाता हूँ। ये गीला था, ठीक है, ये अब का देखो, कल गीला था, हाथ लगाओ, अभी दिखाता हूँ। उस टाइम ताज़ा ताज़ा निकला था, ये सारा गीला था। आप सारे दोस्त आप देख रहे हो मेरे भी, ये तो बेहतरीन हो गया, ताज़ा माल था। रात को ये पड़ा, ये सूख गया, ठीक हो। फिर भी मैं इसको SLS 1% डाल रहा हूँ, अपने मयार को, गोल्डन ब्रांड को और आगे लेके जाऊँ। सफाई में, झाग में, गहरे से दाग मिट जाए। ये कल बहुत बड़ा था, गीला लग रहा था मॉइस्चर की वजह से, रात को सिर्फ हवा में छोड़ा। अब ये एक्सेल वाला है, ठीक है। इनके पास तो अपने 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 बेहतरीन ड्रायर है। मैं तो गरीब मिस्कीन आदमी हूँ, छोटा सा यूनिट है। एरियल वालों का अपना माशाल्लाह ड्रायर है ये वो। ये जो मैं डर रहा था, कल से ही मेरे तजर्बे चल रहे हैं। रात को रखा, यही ऑफिस में पड़ा हुआ है, यहाँ ऑफिस में अभी मैं पहुँचा हूँ, ये ऑफिस में ही पड़ा हुआ है। पहुँचा तो ये रात में देखो ट्रायल हो गया ना। और ये जिसमें 4% शैम्पू बेस डाला था वो भी ड्राई हो गया। तो कल मैं बड़ा परेशान हो गया था, ठीक है, फिर भी। और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्पेशल ब्रांड है मेरा, आप सबको पता है ये मेरा स्पेशल ब्रांड है। वो उसका तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है मेरा, बेहतरीन लुक, बेहतरीन शाइनिंग, कलर दाने, हाथ जलने से महफूज, गहरे से गहरे दाग मिटाता है। एक ऑर्डर आया है कि इससे सर्फ एक्सेल से, एरियल से और बेहतर बना के दो, बेहतर बना के दो, और उसका नाम रखो गोल्डन ब्रांड। ये मेरा गोल्डन ब्रांड। आइए अब बाहर चलते हैं इसकी तीसरी लाट निकली। कल एक लाट निकाली, दूसरी लाट निकाली, वो आप दोस्तों को दिखाया था, गीला लग रहा था। आज तो ये भी मुझे ना सूखा महसूस लग रहा है। उस टाइम मॉइस्चर था, ताज़ा ताज़ा निकला था, ये देखो ताज़ा ताज़ा निकला था। इसमें 4-5 शैम्पू बेस था, इसमें 0.5% पाउडर था SLS। अभी जो लाट निकली है उसमें 1 किलो SLS पाउडर है। चलते हैं, जो लाट निकली उसकी रिसर्च करते हैं। यार कोई चीज़ ना नहीं छुपाओ, सब यहाँ रह जाएगा। अगर मेरी छोटी सी कावज थी, कोई बच्चा रोजगार से लगता है या कोई फंसा हुआ है बुरी तरह से, ठीक है ना, बुरी तरह से फंसा हुआ, उसको रास्ता मिल जाए, समझ बात है, उसको कोई रास्ता मिल जाए। कहीं फंसा हुआ है, खुशबू कैसे बनती है वो भी आप दोस्तों को बताया था मैंने, खुशबू कैसे बनती है वो भी बताया था, किस तरह मिक्स होती है वो भी बताया था। कल सच सामने बोल रहा था, भाई ये गीला लग रहा है, ये गीला लग रहा है, रात बड़ा परेशान था। तो आज फिर जनाब अली एक लाट निकालिए, चलो चलते हैं। कल का माल अभी तक, यार बुढ़ा हो गया हूँ, एडिटिंग नहीं करता, माफ करना। ये कल जो बनाया था ना,
खौफ आ रहा था यार, गीला हो गया, गीला हो गया। कहाँ है भाई गीला, कहाँ है गीला? ठीक है, मॉइस्चर था, ताज़ा था, महसूस हो रहा था, बड़ा परेशान हो गया। बच्चों को डांटा, भाई ये क्या आपने आगे पीछे किया? आगे पीछे कुछ नहीं किया भाई, ठीक है ना, बेहतरीन। ये दाना दाना अलग है, दाना दाना अलग है भाई। थोड़ा सर्दी में थोड़ा ये तंग करता है, दाना दाना गलत है। आप देख लो, इत्मीनान से देख लो, इत्मीनान से देख लो, वाच करो, खुशबू ऐसी है, मैं क्या बताऊं, मुझे एलर्जी है खुशबू से। ठीक है, बाहर निकलते हैं, बाहर जो लाट है वो भी दिखाता हूं। ये आज की लाट है, ये आज की लाट है, अभी सेपरेटर से नहीं निकली है। ठीक है ना, अभी सेपरेटर से नहीं निकली, अभी बेहतरीन है, बेहतरीन केमिकल है, आपकी रेसिपी बेहतरीन है, तो आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अब ये जो घंटे ये सेपरेटर से नहीं निकला है, ये सेपरेटर है, ये बच्चे जब सेपरेटर से निकालेंगे, इस सेपरेटर, ये देख, चल आ जाओ, देखो सुपर शम्स गोल्डन प्राट, सुपर शम्स गोल्डन प्राट, बेहतरीन है। और जाहिर है ये सेपरेट से निकलेगा और निखार आ जाएगा, ये सारे गंडे क्लियर हो जाएंगे। लुक देखो, सेपरेटर ग्रेडर से माल तैयार होके यहाँ पहुंच, यह है अपना गोल्डन का, यह है अपना गोल्डन का, सुपर शम्स वाले आला मयार, आला क्वालिटी, गहरे से गहरा, गहरे से गहरा दाग मिटाए, खुशबू इतने के ये हाल में खड़ा नहीं हो सकता, मुझे एलर्जिक है। अंदर जो कल मैंने बनाया था वो भी ड्राई हो गया, कल मैं बड़ा खौफ देता था तो गीला क्यों हो रहा, गीला नहीं था, मॉइस्चर था, रात भर वो मॉइस्चर निकल गया, कमरे में हमने बंद रखा था। ये अगर गीला है ना, ऑयली है, तो वो नहीं सूखेगा, अगर मॉइस्चर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फंसी हुई वो रात को निकल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। ये गोल्डन ब्रांड सुपर शम्स वाशिंग, चैप्टर क्लोज हो गया, बेहतरीन नाम, बेहतरीन काम, एक एक चीज आप दोस्तों के सामने। ये मेरा गोल्डन ब्रांड, गोल्डन ब्रांड सुपर शम्स वाशिंग पाउडर, मयार देखें आप, लुक देखें। अभी ज़ाहिर है अभी अभी मशीन से निकला है, जब थोड़ा इसमें मॉइस्चर होगा भी तो वो रात भर निकल जाएगा। दानेदार, खुशबूदार, आप देख लें, आप देख लें। ये कल गीला लग रहा था, मैं बड़ा परेशान हो गया था, रात मॉइस्चर निकला, इसकी आप लुक देखें। इसमें टोटल शैम्पू बेस है, इसकी भी लुक देखें। तो ये मयार आपके सामने, ये सर्फ एक्सेल का मयार, ये कापी लग रही,
सर्फ एक्सेल कभी मिलावट नहीं करेगा, कभी अपने ब्रांड को तबाह नहीं करेगा। जेली कंपनियां बेतहा काम कर रही हैं, यही इसके पैकेट बना के और सेल कर रही हैं। असल जो इसका एक्सेल का है वो बेहतरीन, एरियल कभी अपने मैार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, मगर जेली कंपनियां इस एरियल और एक्सेल पे बना रही हैं। इनका जो ओरिजिनल है, ये छोटा सा शहर है, मुझे ये कल से महसूस हो रहा है ये दोनों ओरिजिनल नहीं है। उसका ब्रांड बिकता है, उसका नाम बिकता है, कभी एरियल मिलावट नहीं करेगा, कभी एक्सेल मिलावट नहीं करेगी, कभी नहीं करे। देखो एक कहावत है, मस्जिद में चप्पलें चोरी हो रही थी तो मौली साहब पे शिकायत आई, भाई यहाँ मस्जिद में चप्पलें चोरी हो रही हैं। तो मौली साहब ने कहा, भाई जो नमाज पढ़ने आते हैं ना वो तो नहीं चोरी करेंगे, इन नमाजियों के बीच में कोई चोर घुस के आके नमाज पढ़ते हैं तो उस दौरान वो चोर, जैसे हम फर्ज पढ़ना शुरू करते हैं तो पीछे से वो चप्पलें चोरी करके चला जाता है। इसलिए ट्रेडर, व्यापारी, कारोबारी आदमी जो अपने ब्रांड के लिए लड़ता है वो कभी अब मिलावट नहीं करा, कभी अपने मयार को ख़राब नहीं करेगा। ये एरियल है, ये जनाब अली आपका सुपर शम्स वाशिंग पाउडर अभी अभी आपके सामने आ गया। देखो हर जगह मेरे ना ट्रैक्टर खड़े हैं क्योंकि बंद थी सर। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।